वो जो बड़ा हमारे एमपी साहब थे उनके प्रेशर पर आके, तो मैंने उनको कहा कि सर यहाँ पर नेगेटिव होगा, लेकिन अगर आप कह रहे हो नहीं बाबा ये गांव हमारा जो है 2000 का एड्स में फैल गया। जब सर मजबूर होकर मैंने अपने डॉक्टरों को कहा कि भाई तुम्हारे पास वो सिरिंजेस हैं सबका ब्लड निकालो, क्योंकि मैं उस अनपढ़ से तो बहस नहीं कर सकता सर। 2000 के हमने ब्लड निकाले, जब हमने टेस्ट किए मैं रोजी पर बैठा हूँ सारे के सारे नेगेटिव हैं। अब ये जो मैसूब बुलकड़ी और इसके अंदर जो हो रहा है ना, इन्होंने पीपीएचआई वालों को भी मैंने कहा कि यार आप लोग जो किस यूज करते हो वो एल्बन की करते हो, चाइनीज है वो, फास्ट पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। उधर जाकर सैंपल्स हमने खुद कलेक्ट किए, ये 6 महीने से वहां पर हमारे पास काम हो रहा है, ये मेरे पास रिपोर्ट है, तस्वीरें हैं, मैं झूठ बोल सकता हूँ, ये तस्वीरें झूठ नहीं बोल सकती। 6 मंथ से डीएचओ साहब हम लोकल एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रहे हैं, और जब हमने सैंपल वहां से लिए उसमें तकरीबन आधे जो सैंपल थे वो नेगेटिव थे, वहां से लेकर आए उन्होंने कहा तो पॉजिटिव है। जब हमने अपनी रेफरल लेबॉरेटरी में, सबसे बड़ी लैब है, आप सब लोग आए देखें जो हमने लेबॉरेटरी बनाई है सिविल हॉस्पिटल में, जहाँ से पूरे सिंध से लोग आते हैं, बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, वो सारे के सारे नेगेटिव है। अब मुझे बताओ कि इनको मैं जाहिलों को क्या बोलूँ कि यार ये सारे नेगेटिव है, तुम कहते हो कि 56,000 जो है वो एड्स के मरीज हैं बीएचयू मैसूब बुलकड़ी और हस्टडी के अंदर। जो हमें एचआईवी रिएक्टिव मिला उसकी जो वजह थी वो रीयूज ऑफ सिरिंजेस थे, क्लिनिक्स बंद करवाई थी। यही हमारे लोग हैं ना जो क्लिनिक एक दवा बंद करते हैं फिर खुल जाती है, फिर कह के लोकल डीएचओ साहब से वो हमने बंद करवाई। दूसरा वहाँ पर जो मसला था वो ये था कि जंजीर जनी लोग जो करते हैं मुहर्रम में, अब उनको तो पता नहीं है जंजीर ठीक है ये रिलीजियस मसला है, उनको बताया कि सर इनको आप स्टराइज करें दोबारा यूज कर सकते हैं, लेकिन ये इससे हो सकता है। हमारा काम है बताना, हमारा काम है अवेयरनेस फैलाना। तीसरा वहाँ पर जो मसला था वो था MSM मेल सेक्स विद मेल। अब मुझे बताएं एक आदमी है जो किसी फेल कर रहा है उसको मैं तो मना नहीं कर सकता, मैं ज़्यादा उसको अवेयरनेस दे सकता हूँ, बता सकता हूँ कि भाई ये बीमारी खतरनाक है, इसके लिए तुम्हें दवा खानी पड़ेगी पूरी ज़िंदगी, और इस दवा का जो साइड इफेक्ट है वो ये है कि एलोपेशिया हो जाता है, बाल उड़ जाते हैं, और ये वो दवा है, पहले 3 गोलियां होती थी, अभी हमने लेटेस्ट में 4th/9th generation आ गई, 1 गोली देते हैं, और उस मरीज को डेली खाना पड़ती है। दुख इस बात का है कि जिस दिन उसने गोली नहीं खाई सिलसिला वहीं से शुरू होगा जहाँ से मुनकते हुआ था। अब मुझे बताया कि कितनी खतरनाक जो है ये असबाब, किसी दोस्त ने पूछा था कि इसके काजिज क्या हैं, भैया सबसे पहले काजिज इसका जो है वो सेक्स है, मैं मानता हूँ कि ये जिनसी बेरादा विषय होता है, लेकिन इससे से और भी तो काजिज है ना, आप लोग जिनसी बेरादरी को क्यों लिए हुए हो। इसका दूसरा मेन काजिज अनस्क्रीन ब्लड है, 80% से ज़्यादा सिंध के अंदर HIV या हेपेटाइटिस जो फैल रहा है वो फैल रहा है आपके अनस्क्रीन ब्लड से। मशरूम लेबॉरेटरीज हैं, मैं गया इधर शदादकोट कंबर वगैरह वहाँ पर लैब पे देखा, हर तीसरे घर के बाद वहाँ पर एक मशरूम लैब थी और उसके अंदर अनस्टेलाइज सिरिंजेस थी, वो सारी बंद करवाई, लोगों को कहा कि बंद करो, इलीगल ब्लड बैंक्स की वजह से ये हो रहा है। दूसरा जो मेन की है वो है अताई डॉक्टर, यह हर एक आपके पर भी फर्ज बनता है, जहाँ अताई डॉक्टर हो उसको बंद कराएं आप। जहाँ पर भी हमारी अभी हेल्थ केयर कमीशन भी बनी है और उस पर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, इधर भी अताई डॉक्टर थे आपके इसमें मैसूब बुलकड़ी के अंदर, 4 अताई डॉक्टर थे, उनमें एक डॉक्टर जो था उसके 3 क्लिनिक्स थी, ये जो साहब को पता होगा, वो हमने अपनी इन्वेस्टिगेशन की पता चला कि वो डॉक्टर तो खुद बना रहा है, प्लम्बर बैठा हुआ था। अब मुझे बताया कि उसको फिर हमने बंद करवाया, SSP साहब को कहकर कि मैंने इसको बंद कर ना, अरेस्ट करो ताकि इसको पता चले। उसके बाद सर दूसरा जो मसला है वो है आपकी दरगाहें इधर जिनमें ये बुरा काम होता है, मैं ज्यादा उनको अवेयरनेस दे सकता हूँ, कंडोम दे सकता हूँ कि भाई तुम भले तुम्हारा अपना जाती फेल है कि खुदा के वास्ते कंडोम पहनकर करो, चाहे वो जेल्स क्यों ना हो, जेल्स के अंदर भी तो हम ये कम कर रहे हैं। तो बात यह है कि अब ये वो चीजें हैं जिस पर फिर ब्लेम आ जाता है कि ये प्रोग्राम तो कुछ नहीं कर रहा, और भाई जहां पर गंदगी फैल रही है उसको तो जो है वो उसको खत्म करो ना। ये नशा जो आता है, ये जो लोग बैठकर सिरिंज से नशा करते हैं, इसमें मैं आपको बताऊं सिरिंज से नशा कैसे करते हैं, वो एक 10 cc एक सिरिंज ले लेते हैं जिसमें भरते हैं माल, माल में क्या है टैबलेट सोसिकॉन वेलियम हीरोइंसुरिन सोसिकॉन इंजेक्शन भर के फिर ये 4-5 जने बैठ जाते हैं उसमें। सर क्या करते हैं कि वो सिरिंज लेगी
वहां से ब्लड निकला, फिर दूसरी को उसको सुई दी, तीसरे बंदे ने किया, तो चौथा अगर वायरस है तो ये पांच के पांच बंदे जो है वो वायरस में एचआईवी हो गए। जब ये अपनी बीवियों के पास जाते हैं तो उनको अफेक्ट करते हैं, जब ये कहीं किसी क्रॉस के पास चले गए या फीमेल सेक्स पार्टनर के पास चले गए उसको अफेक्ट कर दिया, वो क्रॉस जिधर जिधर जाएगी वो उसको अफेक्ट करेगी। अब देखा नहीं